हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान यानी साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। और ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे लेके याद कर लेना है। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना बहुत ही जरूरी है। और बेल आइकन को ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और ये है वीडियो का पार्ट 11। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, यहाँ पे पूछा गया है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है कैल्शियम, डी ऑप्शन है सोडियम। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा डी, डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जो अगली वीडियो हम HW दिए थे उसका सबसे पहले सही जवाब आदर्श कुमार का आया है। बोल रहे हैं कि एक सौ एक प्रश्न ये था कि पुरुषों का लिंग गुण सूत्र क्या होता है, तो पुरुष का लिंग गुण सूत्र क्या होता है, एक्स और वाई होता है, और स्त्री का क्या होता है, एक्स एक्स होता है। तो जितने बच्चों ने एक्स वाई बताया है उनका सही जवाब है, और उन सभी का कॉमेंट इस वीडियो में लिया जाएगा। ये देखते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, जो हेमेटाइट है अयस्क है वो किस धातु का अयस्क है, यहाँ पे पूछा गया है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है कैल्शियम, डी ऑप्शन है लोहा। तो जो हेमेटाइट है वो किस धातु का अयस्क है, तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, काफी महत्वपूर्ण है तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है बिमलेश कुमार, बोल रहे हैं एक्स वाई होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं तीन नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है, जो जल होता है H2O, इसमें पूछ रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो परमाणु संख्या है उसका अनुपात आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, दो, तो यहाँ पे पहले हाइड्रोजन बोला है तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे दो लिख देंगे, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, एक है, तो एक लिख देंगे, और अनुपात पूछा है तो बीच में अनुपात लगा देंगे, 2:1 होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है रवि रंजन, बोल रहे हैं HW का आंसर एक्स वाई होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए चार नंबर प्रश्न है, सिलिका क्या है, जो सिलिका है वो क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सिलिका होता है वो क्या होता है, तो ये अधातु होता है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है ओम प्रकाश कुमार, बोल रहे हैं एक्स वाई होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, जो लोहा होता है उसका परमाणु संख्या कितना होता है Fe। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है 23, बी ऑप्शन है 24, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 26। तो लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है प्रशांत यदुवंशी यादव, बोल रहे हैं एक्स वाई होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा कमेंट हमारा स्क्रीन पे है, तो लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, अगले दिन आपका कमेंट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, वह धातु जो केवल अम्ल राज में घुलता है, ये अम्ल राज क्या होता है, H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल राज बोलते हैं, या किसी को भी घुला देता है अपने में। तो यहाँ पे पूछा गया वह धातु कौन सा है जो केवल अम्ल राज में घुलता है और किसी में नहीं घुलेगा। यहाँ पे ए ऑप्शन है Al, Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है Fe, Fe का मतलब होता है फेरस यानी लोहा, सी ऑप्शन है Au मतलब होता है गोल्ड यानी सोना, यहाँ पे डी ऑप्शन है Cu यानी कॉपर। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि वो कौन सा धातु केवल अम्ल राज यानी H2SO4 में घुलता है, तो वो कौन है, Au मतलब क्या होता है, गोल्ड यानी सोना होता है, जो केवल किस में घुलता है, अम्ल राज में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कॉमेंट आया वो है MD सुहेल, बोल रहे हैं एक्स वाई होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है।
ए ऑप्शन है C2H4, बी ऑप्शन है C5H4, सी ऑप्शन है C6H6, डी ऑप्शन है C3H7। तो जो बेंजीन होता है उसका अणु सूत्र यहाँ पे पूछा गया है, तो बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है? C6H6। ये क्या होता है? बेंजीन का अणु सूत्र होता है, काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कॉमेंट आया हुआ है, रुस्तम अली बोल रहे हैं HW का आंसर XY होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 8 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए, पौधों में वातपुत्सर्जन किस भाग से होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है कि जो पौधों में वातपुत्सर्जन की क्रिया होता है वो कहां से होता है? ए ऑप्शन है तना से, बी ऑप्शन है जड़ से, सी ऑप्शन है पत्ती से, डी ऑप्शन है फूल से। तो पौधों में वातपुत्सर्जन किस भाग से होता है? तो पत्तियों से होता है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो वातपुत्सर्जन की क्रिया होता है वो पत्तियों से होता है। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है, अभिषेक आनंद बोल रहे हैं XY होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसान सा है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो मानव हृदय है, तो यहाँ पे पूछा गया कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो जो यहाँ पे पूछा गया कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय के कितने भाग होते हैं, कोष्ठ मतलब कितना भाग होता है, तो 4 भाग होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है, रोहित सैनी बोल रहे हैं कि HW का आंसर XY होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे कुटपाद किस में पाया जाता है? जो कुटपाद होता है वो किस में पाया जाता है? ए ऑप्शन है पैरामीशियम, बी ऑप्शन है यूगलीना, सी ऑप्शन है अमीबा, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जो कुटपाद होता है वो किस में पाया जाता है? तो ये अमीबा में पाया जाता है, और अमीबा इसी के द्वारा अपना भोजन अंतर ग्रहण करता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है, शिवम राज बोल रहे हैं कि HW का आंसर XY होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न देखिए, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जो जठर ग्रंथियां होती है वो कहाँ पाया जाता है, पूछा गया है। ए ऑप्शन है आंख में, बी ऑप्शन है अग्नाशय में, सी ऑप्शन है अमाशय में, डी ऑप्शन है यकृत में। तो जो जठर ग्रंथियां होता है वो कहाँ से कहाँ पाई जाती हैं? तो यहाँ पे पूछा गया कि जो जठर ग्रंथियां वो कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं यहाँ पे अग्नाशय में। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है, अंशु कुमार बोल रहे हैं XY होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 12 नंबर, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी है? जो मनुष्य की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है यहाँ पे पूछा गया वो कौन सा है? ए ऑप्शन है लीवर, बी ऑप्शन है अग्नाशय, सी ऑप्शन है अंडाशय, डी ऑप्शन है फेफड़ा। तो यहाँ पे पूछा गया कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है, मूवीज ऑल बोल रहे हैं कि XY होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उत्पाद है? यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा एक उत्पाद है। ए ऑप्शन है हिरण, बी ऑप्शन है आम, सी ऑप्शन है घास, डी ऑप्शन है कवक। तो यहाँ पे देखिए हरे पेड़ पौधे या घास को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगले दिन का सही कमेंट आया हुआ है, सुजय चौहान बोल रहे हैं पुरुष में लिंग गुणसूत्र XY होता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न होता है, जो डेंगू उत्पन्न होता है वो कहाँ होता है? ए ऑप्शन है साफ जल में, बी ऑप्शन है गंदा जल में, सी ऑप्शन है खारा जल में, डी ऑप्शन है मृदु जल में। तो यहाँ पे देखिए जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो कहाँ पे पनपते हैं, तो ये साफ जल में पनपते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे गंदा जल आप लोग टिक मत लगाइएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। जो डेंगू का मच्छर होता है वो साफ जल में पनपता है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कॉमेंट आया हुआ है, उमेश बोल रहे हैं XY होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला जिनका सही कॉमेंट आया हुआ है, नवनीत अम्बेडकर बोल रहे हैं XY होता है सर, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? जो ग्लोबल वार्मिंग आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है,
तो उसके लिए उत्तरदायी कौन सा गैस है? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डी ऑप्शन है क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किस कौन से गैस इसके लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए अधिक उत्तरदायी है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा जितना ही प्रदूषण फैलेगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और उतना ही ग्लोबल वार्मिंग होगा, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही जो हमारे ध्रुवों पे जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है MD अल सिद, और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो टूना कुमार बोल रहे हैं XY होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देख लीजिए, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। बोला गया है यहाँ पे कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ए ऑप्शन है सरसों, बी ऑप्शन है पपीता, सी ऑप्शन है यहाँ पे मटर, डी ऑप्शन है उड़द। तो यहाँ पे देखिए एक लिंगी पादप का उदाहरण पूछा गया, तो एक लिंगी पादप कौन सा है? पपीता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है सुभाष कुमार बोल रहे हैं XY होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे, 17 नंबर प्रश्न है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। यहाँ पे पूछा गया कि फूल में कौन सा नर प्रजनन अंग होता है? ए ऑप्शन है पुंकेसर, बी ऑप्शन है अंडाशय, सी ऑप्शन है वर्तिकाग्र, डी ऑप्शन है वर्तिका। तो यहाँ पे देखिए फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? पुंकेसर होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है विजय ठाकुर, और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अक्षय कुमार बोल रहे हैं कि XY होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे, 18 नंबर प्रश्न है। हाइड्रा प्रजनन किस विधि से करता है? जो हाइड्रा होता है वो प्रजनन किस विधि से करता है? ए ऑप्शन है द्विखंडन, बी ऑप्शन है मुकुलन, सी ऑप्शन है लैंगिक जनन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो हाइड्रा होता है वो प्रजनन किस विधि से करता है? तो मुकुलन विधि से करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है पिंटू, और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है शाहनवाज आलम बोल रहे हैं कि XY होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है। अनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है? यहाँ पे पूछा गया कि अनुवांशिकता के जनक या पिता किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है मूलर को, बी ऑप्शन है न्यूटन को, सी ऑप्शन है मेंडल को, डी ऑप्शन है लैमार्क को। तो अनुवांशिकता का जनक इसमें से किसे माना जाता है? तो मेंडल को माना जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है राजा कुमार और चंदन कुमार दोनों बोल रहे हैं कि XY होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, स्त्रियों में गुणसूत्र होता है। यहाँ पे पुरुषों में पूछा गया था, तो पुरुषों में क्या होता है? XY होता है। और यहाँ पे पूछा गया कि स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र होता है? तो स्त्रियों में कौन सा होता है? XX होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे एक बेल आइकन आएगा इसे ऑल पे दबाइए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगला जिनका सही कॉमेंट आया हुआ है अरविंद शाह, और अगला जिनका सही कॉमेंट आया हुआ है कुणाल कुमार। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए HW प्रश्न है यहाँ पे देखिए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जब आदमी को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें किस लेंस का हम प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस। तो जो आपको सही लगे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का इंतजार रहेगा आपका। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अनुज कुमार, और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है बिरन सिंह। तो यहाँ पे देखिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। यहाँ पे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।